तू था इनमें। और ये है मस्त नींबू। चलो ने ला दूं। मैंने वो उससे देखा है कपड़े मेरे कोई दीदी मैं पहन लूंगी ऐसी। हेलो दीदी, आज सुबह का दिन कैसा जा रहा है आपका दिन? मैं आज बहुत ही इरिटेटेड हूँ क्योंकि कुछ भी मेरे हिसाब से नहीं जा रहा है। आपका मन चिड़चिड़ा हो चुका है बहुत ज्यादा। किसने किया है उसका क्रेडिट? दो लोगों को जाते हैं कि चार लोग? वो मेरे को ही जाता है। नहीं वो मैं बहुत जिम्मेदार हूँ, हर गलत बात की जिम्मेदार मैं हूँ। ये और मैं और कोई नहीं, छोटा एक और भी है, राघु भी है। नमस्कार यूट्यूब परिवार, मैं हूँ प्रतिभा और आप हैं आपके अपने चैनल यूपी 32 जिंदगी जिंदाबाद में। और ये आ गया मेरा बेटू। ऑलमोस्ट तैयारी हो चुकी है पूजा की, तो शिवालय जाने की तैयारी हो रही है। यहाँ पर कपड़े भी रखे हुए हैं और हिमानी पहनने वाली है ये येलो साड़ी, अगर आप लोग देख पा रहे होंगे इसमें तो, और मैं पहनने वाली हूँ ये ब्लू वाली साड़ी। तो हिमांशु ऑलरेडी रेडी है। हिमांशु दिखाओ रेडी है और रघु नहा लिया और राघु ने भी नहा लिया है। अब मैं रघु को भी रेडी कर देती हूँ और खुद भी रेडी हो जाती हूँ, फिर फाइनल व्लॉग में मिलते हैं आपके साथ। और आज आपको दर्शन कराते हैं हमारे पुश्तैनी शिवालय के। दीदी आपने ये धोती पहनानी कहाँ से सीखी? इंटरनेट से। अच्छा अच्छी पहना रहे हो आप। ये हम राघु को भी ऐसे कुछ पहना सकते थे ना अपने? बस धोती थोड़ी देर में खुली नजर आती और हाथ में लेके आ जाते, कहते लो ये पता नहीं क्या पहना दिया। आज तक का रिकॉर्ड है कोई भी कुर्ता पजामा तो मुझे पहना, पजामा फटा ही उतरेगा, पजामा शुद्ध। ऐसा क्या होता है? मैं नहीं फाड़ देता मियां पजामा ट्राउजर, ऐसा क्यों? हां घुटने से फाड़ देता है, पता नहीं क्या लेट जाता है, घुटने के बल बैठ जाता है, क्या करता है। विघ्न में छेद हेतु जयति जय भटक नाम श्री सिद्ध साधका नाम श्री भटक भैरवा। अरे अरे ये नानू को बोलो फर्स्ट रोल हनुमान जी का मिला तो उत्पात तो मजा नहीं मचा। भाई पहला रामलीला में इसने खेला है। मिलो इनसे नई बहू सब जो है कैसे कैसे कर रहे हैं देखो, कैसे कैसे कर रहे हैं देखो। चलो चलने में भी फिर वैसी हो जाएगी। चलो पापा देखो एकदम बिल्कुल साथ में लाल बहादुर शास्त्री भी जा रहे हैं। टोपी लगाओ, टोपी लगाओ भाई, मेरी जरूरत नहीं, जरूरत की बात छोड़ना, टोपी एक ही तो है। चले पंडित जी चलिए आपके लिए, आपको टीवी में डालेंगे हम। ये है तो क्या हेलो पेड़ जमेंगे ना नीचे जमीन में गिरेगा, पेड़ जमेंगे इसके। अरे चलिए अरे पिनाल कटेगा वो देखा, चप्पल लगा रखी है पेड़ पे निशाना मारने के लिए तने पे। तो अब हम लोग जा रहे हैं, प्रस्थान हो चुका है शिवालय की तरफ और उसके बाद आकर के मंदिर में पाठ करेंगे, है ना पंडित जी? हाँ जी। पहले शिवालय में ये दिया जलाएंगे, रुद्रेश्वर महादेव, पहले रुद्रेश्वर महादेव जाएंगे, ये दिया जलाएंगे और उसके बाद फिर आके घर में पाठ पाएंगे। चलो हर हर महादेव। और रास्ता जैसे कि आपको रास्ते में मैं शिवालय मैंने शायद कल वाले व्लॉग में नहीं शूट किया था, आज पूरा क्योंकि शिवालय का ही व्लॉग है अंदर, पहले हम स्टार्टिंग शिवालय से ही करेंगे और उसके बाद हम घर पे पाठ करेंगे। तो अभी सारे के सारे हम लोग निकल चुके हैं और ये मम्मा है और तैयार हम लोग सुबह से ही थे, तो अभी तो अच्छे से हो गया, मतलब घर पर पूजा शुरू कर दी है। अब बहुत एक्साइटेड है शिवालय जाने के लिए और यहाँ आने के बाद हमें अपनी प्रस्तुति वहाँ ईश्वर के पास धन्यवाद सर धन्यवाद रखनी होती है कि आपने सकुशल हमें पहुंचाया और वापस आप हमें सकुशल घर ले जाएं। तो अगला फिर सीन आप देखेंगे शिवालय का। तो ये आप जो देख रहे हैं ये है शिवालय और ये आधे से ज़्यादा नीचे पहुंच चुके हैं, आगे देखेंगे ये पूरा शिवालय है और ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं, फटाफट चलना पड़ता है, आधे लोग ज़्यादा आगे चले गए, ब्लॉगिंग के चक्कर में मैं पीछे रह जाती हूँ।
तो आप लोगों का थोड़ा सा भी जो प्रोत्साहन होता है वो आगे नए व्लॉग्स लाने के लिए और नई चुनौतियाँ उठाने के लिए यकीनन एक यूट्यूबर को प्रेरित ज़रूर करता है। तो बने रहिए और लुत्फ उठाते रहिए मेरे प्यारे उत्तराखंड का। आ गए हम शिवालय के गेट पे। जय हो। ये अंदर पहुंच चुके हैं ऑलरेडी और ये मम्मा जा रही है अंदर और ये चाचू चले गए और ये गए अंदर। ये सारे के सारे ये देखो आ गए हैं अब शिवालय। अभी हाँ होगी पूजा। फूल चुनने हनुमान जी ने तो पूरे पेड़ ही उखाड़ दिए। बस पूजा के लिए बोलो हर हर महादेव। भाई तो शॉर्टकट है। निशाना देखो निशाना कितना घटिया है। चलो सब लोग चलो चलो चाची इधर से आओ शॉर्टकट से। हाँ देखो लो लो। तो अब आ गए हैं शिवालय से पूजा करके हम लोग घर पे। तो घर पे होता है हमारा भैरव का मंदिर और कुल देवता मंदिर। तो हम अभी जा रहे हैं वही करने के लिए। मैं दिखाती हूँ ये लोग कैसे चढ़ रहे हैं यहाँ पे और पूजा कर रहे हैं। ये देखिए ये बनाए हुए हाथ से और लीपे हुए कितने खूबसूरत। भैरव देवता तो हर मंदिर में मिलेगा, हर जगह मिलेगा। चाहे अगर तुम केदारनाथ जाओ वहाँ भी भैरव देवता मिलेंगे, वैष्णो भी जाओ वहाँ भैरव देवता मिलेगा। और इनके निशान तुम्हें अगर तुम ताकत आ रही खाना खाने के बाद चलेंगे। ये चूल्हे वाला जब पानी गर्म करने के लिए एक तरीके से एक पैर इसमें फिर नीचे चप्पल में कांटे में रहते हैं। तो उतरे ही क्यों जब जाना नहीं था ऊपर। लालू दूसरा है वो एक तो लालू है। सही बोल रहा है एकदम संभाल के चप्पल। नहीं वो ये नहीं कह रहा है संभाल, कह रहा है गिर जाएगी। डबल देना या आराम से आना। थाली दो थाली दे दो। हाँ ये पे इतने तीखे पत्थर है ना ये। मम्मी ढंग से आना। मम्मी हाथ पकड़ कूदना नहीं गिर गई। पहले मैं शुरू आया था मम्मी स्टूल पे खड़ी होती थी, रागु चिल्लाना चालू कर देता था। गिरी। नहीं बहुत ही ब्लडी ब्लड हो जाएगा। अम्मा चढ़ो मम्मी। एक बार गिरी थी बेचारी तो आवाज भी नहीं थी। गिरी भम्म से शांत पड़ी चित्त।